मेरा नाम आकाश है, आई एम फ्रॉम कोरिकल इंफ्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और आज मैं आपको फोटोशॉप का बेसिक इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज फोटोशॉप सीसी वर्जन 2070। तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस जो ओपन करने पे सबसे पहले दिखाई देता है। इसके कुछ भाग्स होते हैं। सबसे पहले हमारा ये मेनू बार जहाँ पे ये फाइल्स, एडिट, इमेज लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज, हेल्प, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके नीचे आता है प्रॉपर्टीज बार, जिसको ऑप्शंस बार भी बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको टूल बार्स मिलेगा जो के वर्क स्पेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। राइट साइड में आपको पैनल्स मिलेंगे, चैनल्स, पाथ, लेयर्स पैनल, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ राइट के कॉर्नर पे आपको वर्क स्पेस के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको किस तरह का वर्क करना है। अगर आप ग्राफिक्स एंड वेव पे काम करना चाहते हो तो ग्राफिक्स एंड वेव करोगे तो उससे रिलेटेड जो मोस्ट यूजेबल फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। और भी है मोशन, एनिमेशन का आप वर्क करना चाहते हो तो एनिमेशन के लिए यहाँ पे नीचे टाइमलाइन दे दी जाएगी, लेयर्स को यहाँ पे दे दिया जाएगा, लाइब्रेरी, हिस्टोग्राम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो तो पेंटिंग के लिए इंटरफेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसेंशियल में बेसिकली कंबाइन होता है सारा कुछ, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिए हुए हैं इनको आप कोलैप्स और अनकोलैप्स भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके। और अगर आपको कोई पैनल्स को सेपरेट करना है तो पैनल पे लेफ्ट क्लिक करें और उसको ड्रैग करके जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ ले जा सकते हो। इनको रिसाइज भी आप कर सकते हो, इस तरह का एरो आएगा, नीचे से आप रिसाइज कर सकते हो। कोलैप्स करना है तो इस पर कोलैप्स कर सकते हो, और क्लोज करना है तो राइट साइड में ये टॉगल्स बटन है, इस पर राइट क्लिक करिए। ये टॉगल्स बटन है, इस पर राइट क्लिक करिए तो यहाँ पे क्लोज क्लोज टैब ग्रो क्लोज करोगे तो करंट में जो टैब ओपन है पाथ वाला केवल वही क्लोज होगा। और क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करोगे तो दोनों क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको वापस से इसको सेट करना है तो ड्रैग कीजिए। जब आपको ये ब्लू कलर की चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन दिखेगी तो आप छोड़ दीजिए माउस लेफ्ट बटन, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ सेट हो जाएगा। अगर आपके सभी पैनल्स यहाँ से हट चुके हैं तो आपको उनको शो करने के लिए विंडो में जाना होगा, और जिस पैनल्स की आपको जरूरत है जैसे लेयर्स वाले को ओपन करना है तो लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो लेयर्स वाला ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। स्वेचेस वगैरह की जरूरत है, स्वेच पैनल, तो वो यहाँ आ जाएगा, इनको आप कलेक्ट कर सकते हो। और ये है हमारा टूल्स बॉक्स जिसको आप ड्रैग करके इधर उधर रख सकते हो। इस बटन पे टॉगल बटन पे क्लिक करोगे तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। और वापस से इसको सेट करना है तो होल्ड करिए लेफ्ट की तरफ और छोड़ दीजिए इस साइड को। इसी तरह आप ऑप्शंस बार को भी कहीं भी ले जा सकते हैं। अब आते हैं हम वर्क स्पेस पे। ये हमारा वर्क स्पेस है जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप फोटोशॉप CS6 या CS6 से नीचे का वर्जन यूज़ किया होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा देखने में, ये थोड़ा ग्रे टाइप का है। अगर आपको इसका इंटरफेस थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो आप इसको चेंज करेंगे। आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए या एडिट में जाइए और यहाँ प्रेफरेंस में जाइए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जनरल के जस्ट नीचे इंटरफेस का दिया है, यहाँ पे आइए। और आपको अगर लाइट करना है या और भी ज़्यादा लाइट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं लाइट वाला कर लेता हूँ जिससे कि दिखाई दे। ओके, ठीक। तो ये हमारा वर्क स्पेस है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, फाइल पे जाएंगे
न्यू कंट्रोल एंड न्यू से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आएगा और किसी भी चीज़ को ओपन करना है, हमारा पहले का वर्क है या कोई इमेज है जिस पे हम काम करना चाहते हैं तो ओपन करिए और डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एंड से न्यू करिए। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा एक, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया है नेम। तो आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी रखना चाहते हैं तो इस पर बैकस्पेस से हटाइए फर्स्ट, यहाँ पे नाम दे दिया। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका, यहाँ पे फोटोशॉप का डिफॉल्ट साइज आता है, ये साइज है US पेपर। इंटरनेशनल पेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज आ जाएगा जैसे A4, A6, A5, A3। तो हम A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो A4 की जो पर्टिकुलर डायमेंशन है वो ये है 210297 हाइट, और ये जो है मिलीमीटर में है। अगर आपको पिक्सल्स में करना है तो यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करिए तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये हमारा रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन से पिक्चर की क्वालिटी जब प्रिंट निकालते हैं तब बेटर आती है। इसको अगर आपको डिजिटल इमेज या वेव के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आइए। अगर वेव के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वेव के लिए जो साइज है पर्टिकुलर 1366768, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन उसके हिसाब से आ जाएगा 72, क्योंकि वेव के लिए हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप फिर भी बढ़ाना चाहते हो तो 150 कर सकते हो और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक पिक्सल पर इंच इसकी डेप्थ ले लेंगे। अब नीचे आते हैं बैकग्राउंड कंटेंट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, अदर। तो वाइट है अभी सेलेक्टेड, ये जब आप ओके करोगे तो एक वाइट कलर का लेयर्स आएगी आपके पास, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे राइट साइड में इस पर तो यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं। तो कलर मैंने यहाँ से रेड पिक किया, ओके किया, तो अब जो मेरे पास लेयर आएगी बैकग्राउंड लेयर वो रेड कलर की आएगी। यहाँ पे है कलर प्रोफाइल, जब हम प्रिंट के लिए काम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है लैब्स कलर होते हैं, RGB कलर होते हैं, फ्यूजी फिल्म्स वगैरह होती हैं। तो जो एडोब का स्टैंडर्ड है एडोब RGB 998, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मोस्टली प्रिंटर्स में ये ऑटोमेटिक मैच कर लेगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर पे करेंगे तो शायद कलर ना मैच करें। तो एडोब RGB 998 को सेलेक्ट करिए यहाँ से। और अगर आप इस प्रीसेट को बार बार यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में तो आप इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं माई वे प्रीसेट। तो इंक्लूड मतलब आप इसमें क्या क्या सेव करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन आपको सेट करना पड़ सकता है बार बार, तो यहाँ से आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सेम रखना है तो इनको चेक रहने दीजिए और ओके करिए। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा माई वे प्रीसेट, ठीक है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओके करेंगे तो ये रेड कलर का एक हमारे पास लेयर आ गई बैकग्राउंड। ये हमारे पास जो है पहले से प्री डिफाइन है, तो ये एक आर्टबोर्ड के रूप में आया है, ये एक बैकग्राउंड लेयर नहीं है। हम जाएंगे विंडो पे, लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आर्टबोर्ड के अंदर लेयर दिखा रहे हैं। तो लेयर को सेलेक्ट किया हमने, लेयर्स पे गए और न्यू पे बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो इस तरह से बैकग्राउंड लेयर आपका बन जाएगा। तो आर्टबोर्ड है ये, वापस से फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और इस बार हम लेते हैं कस्टम। कस्टम जब आप लेंगे, जैसे आपको कोई भी साइज लेना है 1280x720 पिक्सल्स में 72, यहाँ से कलर वाइट ओके करेंगे तो आपको अब ये आर्टबोर्ड नहीं मिलेगा, एक तरह से आपको ये लेयर्स मिलेगी। विंडो पे जाएंगे, लेयर्स की शॉर्टकट कीज है F7, तो यहाँ पे लेयर्स पैनल आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड। आप जब इस पे अनलॉक पे
लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अनब्लॉक हो जाएगी। अगर आपको लेयर को रीनेम करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए, आप इसको ले सकते हैं फर्स्ट लेयर। तो ये जो हमारी पास लेयर है इसमें ये बैकग्राउंड आ गया है। इसको अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए आप टी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर ऑटोमेटिक एक लेयर जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओरेकल इंडिया मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, यहाँ से डन करेंगे तो ये लेयर्स। अब सबसे टूल बॉक्स में सबसे पहले आता है मूव टूल। मूव टूल की शॉर्टकट कीज है भी, इसका मेन काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को इधर उधर मूव करना, ठीक है। तो जिस तरह से आप यहाँ से टूल को सिलेक्ट करेंगे और जिधर भी आपको मूव करना है ऑब्जेक्ट, वहाँ पे आप मूव टूल की मदद से मूव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं ऑटो सेलेक्टेड, ऑटो सेलेक्टेड के आगे ग्रुप है। तो अभी हमारा ऑटो सेलेक्टेड सेलेक्टेड है, तो अगर हम व्हाइट वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी फर्स्ट लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। और हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हमें यहाँ लेयर्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो अभी हमारे पास ओरेकल इंडिया वाली लेयर सेलेक्टेड है। हम फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, हमें लेयर पैनल में जाना पड़ेगा, वहां से लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फास्ट वर्क के लिए हमें इसको ऑटो सेलेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रुप और लेयर्स। ग्रुप्स और लेयर्स का क्या है, जैसे अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, हम दो लेयर्स और क्रिएट करते हैं। दो शेप्स बनाई हमने, एक सर्कुलर यहाँ से एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। इन दोनों को ग्रुप किया, दोनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिए। अब हमारे पास ये ग्रुप में है, मूव टूल के लिए वी दबाएंगे। ये ग्रुप है हमारे पास, एक ओरेकल इंडिया की लेयर्स है, एक फर्स्ट लेयर है, और इस ग्रुप के अंदर रेक्टेंगल है और एलिप्स है। तो जब आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करोगे, मूव टूल्स पे जाओगे, तो जब आप एलिप्स पे क्लिक करोगे तो ग्रुप हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं ओरेकल इंडिया पे एक्टिव करता हूँ, अब वापस से एलिप्स पे क्लिक करूँगा तो ग्रुप सेलेक्ट होगा, ना कि ग्रुप के अंदर जो लेयर है हमारी एलिप्स वो। अगर हम यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपके पास लार्ज ग्रुप है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, तो अब आप यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप ओपन होगा और ग्रुप के अंदर वाली लेयर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल पे, और अदर जो आउटसाइड लेयर है उस पर क्लिक करेंगे तो लेयर हो जाएगी। तो आप यहाँ से लेयर्स ग्रुप में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, जैसे आप किस ऑब्जेक्ट पे हैं, आपने लेयर्स पैनल को हाइड कर रखा है और आपने किस पे क्लिक किया, अभी करंट में किस पे क्लिक है आपको नहीं पता है, तो अगर आप यहाँ पे सो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो जो लेयर आपकी एक्टिव होगी लेयर्स पैनल में वो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे, और शिफ्ट की दबाएंगे, कॉर्नर्स पे आएंगे, अगर आपको साइज बढ़ाना है तो ड्रैग करेंगे साइज बढ़ेगा, अगर सेंटर से बढ़ाना है तो शिफ्ट अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे शिफ्ट अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो सेंटर से बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप की डायमेंशनल बिगड़ सकती है, तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो शेप की डायमेंशनल विड्थ और हाइट में एक्यूरेट जाएगी दोनों तरफ से, और बीच वाले से आप इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, इधर से विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, और आउटसाइड कॉर्नर्स पे जाके आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस भी एंगल में आपको रोटेट करना है। और भी बहुत सारे ऑप्शन से जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो रैक परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन स्क्यू रोटेट स्केल, इनको हम आगे वाले चैप्टर्स में आपको बताएंगे। तो यहाँ से डन करेंगे तो ये हमारा हो गया। अगर आपको इनसे सो ट्रांसफॉर्म ये जो है इससे इरिटेशन होती है, आपको स्केल को बार बार बढ़ा नहीं करना पड़ता, तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं।
ये हमारे अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल हो जाते हैं, अभी ये दोनों अभी ये सारे डिसेबल्स हैं। कोई भी अलाइनमेंट आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो F7 से हम लेयर पैनल को एक्टिव करेंगे और हम रेक्टेंगल और एलिप्स को दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा हमने, तो अभी हमारे पास अलाइनमेंट एक्टिव हो गए। तो ये है मिरर के लिए, तो इससे करेंगे तो एकदम दोनों मिरर में आ जाएंगे। और अगर सेंटर में लेना है दोनों को तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएंगे। एलिप्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वो येलो है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। और इसको ड्रैग करके ऊपर करता हूँ मैं एलिप्स को, तो यहाँ पे आ गया। अब दोबारा से हम समझते हैं एक बार फिर। मैंने एलिप्स को यहाँ रखा और कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल को क्लिक किया। अब मुझे दोनों को सेंटर करना है, तो सेंटर हुआ, और वर्टिकली सेंटर करना है तो इस तरह से आप सेंटर में ले सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट बॉटम टॉप करना है तो इस तरह से टॉप से बॉटम से राइट से लेफ्ट, तो ये अलाइनमेंट हो गया। ये मोर देन थ्री ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होते हैं तो तब ये एक्टिव होते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस को बराबर लेने के लिए, वर्टिकली बराबर लेने के लिए, हॉरिजॉन्टली बराबर लेने के लिए। तो इनको हम आगे बताएंगे। F7 से लेयर्स पैनल को एक्टिव किया, अगर आपको किसी लेयर को डिलीट करना है तो मूव टूल आपने सेलेक्ट कर रखा है तो लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए। लेयर्स पे आपके जस्ट नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेस का आइकन मिलेगा, इस ट्रेस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमारे लेयर को आपने सेलेक्ट कर रखा है वो डिलीट हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको नई लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पे एक न्यू लेयर्स का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर यहाँ पे क्रिएट होगी। आप इसको कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और सॉलिड कलर का ऑप्शन चॉइस करिए। यहाँ पे जो कलर आप लेना चाहते हैं ओके करेंगे तो वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये डायनामिक लेयर होती है, जब आप लेयर पैनल में से लेते हैं तो ये हमारे एडजस्टमेंट लेयर का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो एज ए डायनामिक वर्क करेगा। डायनामिक मतलब आप किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। अब आप येलो पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम वापस से ऊपर की तीनों लेयर्स को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आई वाला आइकन है, इसके थ्रू आप लेयर्स को हाइड कर सकते हैं। तो हम लेयर्स को डिलीट करते हैं और एक इमेज को ओपन करते हैं। इमेज को ओपन करने के लिए आप ओपन पे क्लिक करिए। हमने एक इमेज ओपन की जो कि एक बोट है जिसका नाम कोरेकल है। तो इस इमेज को आपको जो पहला डॉक्यूमेंट आपको ओपन था वहां लेके जानी है, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट आपको कहाँ करनी है, यही करनी है एज अ या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे। तो हमने फर्स्ट वाला जो लिया था यहाँ पे हमने क्लिक किया, सॉरी अनटाइटल वन पे, और ओके करेंगे तो ये जो हमारी लेयर है दूसरे डॉक्यूमेंट में। टाइटल वन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लेयर्स वहाँ से जंप होके डुप्लीकेट होके यहाँ आ जाएगी। अब आपको इसको रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए आप जाइए एडिट में। एडिट में आपको ऑप्शन आएगा फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये आपको कॉर्नर्स पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिखाएंगे। तो आप कंट्रोल जीरो आप कीबोर्ड में दबाइए तो ये एकदम फिट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा।
आप छोटा करने के लिए आप ड्रैग कीजिए। कंट्रोल जीरो से आप वापस से इसको फिट ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको इमेज को इधर उधर मूव करना चाहते हैं तो मूव टूल की मदद से कर सकते हैं। अब जो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आई वाला बटन है, आप इसको हाइड कर सकते हैं और वापस से क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। जैसे ऊपर वाली इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी और हमारा बैकग्राउंड दिखने लगेगा। वापस से इस पर क्लिक करेंगे शो हो जाएगा। लेयर्स को अरेंज करने के लिए हम जो हमारी लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जैसी एक लाइन आएगी हम उसको छोड़ देंगे तो हमारी लेयर ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएगी। और इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे लाइन आई ड्रबल, इस पर क्लिक करके छोड़ेंगे तो हमारी व्हाइट वाली लेयर नीचे आ जाएगी। अब हमें लेयर्स को यहाँ पे डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे लेयर वन यहाँ पे है और लेयर वन कॉपी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। और शॉर्टकट की कंट्रोल जे आप प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट फिर से बन जाएगी, डिलीट की से डिलीट होगा। और आपको लेयर्स का नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करिए रिनेम का नाम और एक्टर वो हमने दे दी। अब आपको इमेज को बड़ा छोटा करना है तो वापस से एडिट पे जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल की, तो इसकी मदद से आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म को ला सकते हैं। यहाँ से साइज बढ़ाना है, स्ट्रेच करना है, छोटा करना है, जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मूव टूल के बाद आपका आता है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल क्या होता है, जैसे हम किसी वेबसाइट का लेआउट वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हमें सेम लेआउट को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के लिए बनाना होता है। जैसे PSD टेम्पलेट्स होती हैं वेब एंड ग्राफिक्स के लिए, तो आर्टबोर्ड पे हम जाएंगे सबसे पहले और हमारे पास पहले से एक लेयर्स का वर्क स्पेस है। यहाँ पे नीचे से कहीं से भी आप इसको ड्रैग करोगे तो इसके जस्ट नीचे आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा सकते हैं। तो एक ओवरव्यू लेते हैं पूरा, आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम एक बार फोटोशॉप को क्लोज करते हैं। इसको वापस से ओपन करते हैं। तो आज हमने जो सीखा फोटोशॉप में, सबसे पहले वर्क स्पेस को मैनेज करना, हमको किस वर्क स्पेस में कंफर्टेबल है तो हम वर्क स्पेस को अपने हिसाब से लेयर्स पैनल्स को और टूल बॉक्स को और मेनू बार्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्क स्पेस ओपन हुआ। हम सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट दिया कस्टम, ओके किया। तो हमने सीखा कि हम कैसे न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और किस तरह से हम अपनी इमेज को ओपन करेंगे, ठीक है, लेयर्स के साथ कैसे लेयर्स को अरेंज करेंगे, डिलीट करेंगे, न्यू लेयर्स को कैसे लेंगे। और पहला था मूव टूल, तो मूव टूल्स का यूज़ किया था। मूव टूल्स से डॉक्यूमेंट को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म सीखा, विंडो, अगर आपको कोई भी पैनल्स को ओपन करना है तो आप विंडो पे जाइए, वहाँ पे लेयर्स हमारे पास ओपन है। कलर्स ओपन करना है तो कलर्स शॉर्टकट की आप यहाँ पे दिखाई F6 है तो कलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो कलर्स पैनल आपको शो हो जाएगा। इसको आप ड्रैग करते हैं कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। और सेव करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस और डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज। तो जैसे हम कोई टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे
ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो सिंपली आप कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के थ्रू शिफ्ट अल्ट के साथ ड्रैग करिए और डन करिए तो इसका साइज बढ़ जाएगा। अब हमने व्यू डॉक्यूमेंट को लेना सीखा, इमेज को ओपन करना सीखा। अब फाइल को अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस करिए यहाँ से, और जो फोटोशॉप का स्टैंडर्ड होता है .psd यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप पहले PSD में सेव कर लीजिए जिससे कि आपको बाद में एडिट करना हो तो आप उसको ओपन करके वहाँ से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेव करेंगे यहाँ से। अब उसके बाद हमें PNG या JPG वर्जन में सेव करना है तो यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे JPG या PNG तो हम सेलेक्ट JPG करते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा JPG ऑप्शंस। यहाँ पे इसका काम होता है जैसे इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, इमेज को फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, वाइट, ब्लैक, लैंडस्केप, ये मैटे होता है। जैसे इमेज में वाइट आ रहा है, ब्लैक आ रहा है तो उसको कम करना है तो यहाँ पे डन रहने देते हैं। यहाँ पे इमेज ऑप्शंस, यहाँ पे इमेज की क्वालिटी की बात हो रही है तो अगर आप क्वालिटी कम करना चाहते हैं, साइज कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं लो, मीडियम, हाई, मैक्सिमम, या इस स्लाइडर के थ्रू आप कम कर सकते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज आप देख सकते हैं। और ऑप्टिमाइज के लिए बेसलाइन स्टैंडर्ड या बेसलाइन ऑप्टिमाइज या प्रोग्रेसिव, तो स्टैंडर्ड हम रहने देते हैं, ओके करेंगे। जाएंगे हमने कहाँ सेव किया था इमेज को, हमारी फाइल हाँ देखिए इस तरह से JPG है। अगर आपने फोटोशॉप को काट दिया और वापस से आपको इसमें कुछ टैग्स को बढ़ाना है तो आप वापस से फोटोशॉप की फाइल को ओपन करिए तो हमारा एज इट इज यहाँ पे जो था लेयर्स वगैरह सारी आ जाएंगे। अगर आपको इसमें टैग्स को एडिट करना है करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे से, तो यहाँ पे आप इसको वापस से फाइल सेव और JPG फॉर्मेट में सेव करने के लिए वापस से इसको सेव एज कर सकते हैं। JPG ओल्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिप्लेस कर देगा, करंट वाला हमारा सेव हो जाएगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपने मिस्टर आकाश से सीखा बहुत सारी चीजें। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है एंड कॉरेकल यूनिवर्सिटी के नाम से स्कूल्स में ये वोकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं और जिसमें कि फोटोशॉप बच्चों को सिखाया जा रहा है। जल्दी ही आप सारे बच्चों से ही मिलेंगे और क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसको कि डे बाई डे आप लोगों को सिखाया जाएगा, तो ये पहले दिन का प्रोग्राम था जो कि पहले दिन बच्चों को बताया जाता है। इस तरह से 45 डेज का पूरा ये एक लेक्चर शेड्यूल होगा जिसमें कि 45 डिफरेंट क्लासेस में आप फोटोशॉप को इंस्टॉल करने से लेकर किस तरह से उसको यूज किया जाए, किस तरह से वो बना है और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं जिससे कि आप फ्यूचर में कभी भी जॉब के लिए तो कम से कम परेशान नहीं होंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि अगर हम आज के दौर की बात करें तो डिजिटल इंडिया जो कि मेरे भारत देश के जो मोदी जी का विजन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं
और डिजिटल इंडिया में भी इसका बहुत ही आवश्यक रोल है आज की डेट में। जब छोटा बच्चा चाइल्डहुड एज में ही जब इन सब टेक्नोलॉजीज को सीख जाएगा तो वो डिजिटल इंडिया में बहुत अच्छी तरह से भागीदारी कर पाएगा। हम इस तरह के प्रोग्राम्स को ग्रामीण इलाकों में भी रन कर रहे हैं और शहरी इलाकों में भी रन कर रहे हैं। कई सारे स्कूल्स हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं, जल्दी ही सबसे हम मिलाते हैं, ठीक है ना, जल्दी ही हम सबसे मिलाएंगे आपको। एंड थैंक यू आकाश कि आपने इतना अच्छा लेक्चर डिलीवर किया और आशा करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू आप इस ओरेकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को कंटिन्यू अच्छी तरह से संभालेंगे और समय के साथ अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे जो कि अपने डेवलपमेंट में, जो कि फोटोशॉप में एंड कोरल ड्रॉ में, डिजिटल मार्केटिंग में अपना अच्छा योगदान समय के साथ पब्लिक को दे पाएंगे। आशा करता हूं कि लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर पसंद आया है और आगे की सीरीज को भी आप देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कृपया एक बार जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आगे की वीडियो की इंफॉर्मेशन, आगे के लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास समय रहते पहुंच जाए और आप इस प्रोग्राम से, कोरेकल यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम से सीधे सीधे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद।